हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज़ एंड नूर व्लॉग। तो आज का वीडियो है रमज़ान की तैयारियां, जो कि अब कुछ भी दिन नहीं रहे हैं बाकी। तो जितना हो सकता है जल्दी जल्दी मैं अपनी तैयारियां करूंगी, जो कि किचन में भी बहुत से ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको हेल्पफुल हो जाए, और रमज़ान में हमारा टाइम भी बचाती है और हम इबादत भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस हिसाब से हम जितना भी हो सकेगा उतना कर लेते हैं, और जितना हो सकता है उतना शेयर आपसे भी मैं करती हूँ। तो चलिए देखिए आप भी। तो गाइस, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने लेकर रखी है। ये खजूर भिगो के रख दिया है चटनी बनाने के लिए, और यहाँ पे जो ये हरे मटर है उसको भी हमने छील करके रख दिया है। अब इसको मैं एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि हम रमज़ान में किसी भी तरह से इसको यूज़ करने में आसानी हो। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और नींबू है। तो गाइस, इन सब चीज़ों को हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बचता है, और रमज़ान में ये सारी चीज़ें थोड़ी महंगी भी हो जाती है, तो उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख दें तो हमें आसानी हो जाती है। तो मटर को मैंने इस डब्बे में भर दिया है, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी अच्छे से। तो गाइस, यहाँ पे देखे हमारे लहसुन की तैयारी हो रही है। साफ करना होता है, फिर उसकी पेस्ट बनाएंगे, है ना? ऐसे देखो। तो गाइस, इस तरह से लहसुन को खोल देते हैं पहले, फिर सारे लहसुन को तेल लगा देते हैं अच्छे से, और इसको धूप में रखने के बाद इसको आप अच्छे से छीलेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा और जल्दी ही छील के रेडी हो जाएगा। तो गाइस, हमारा लहसुन जो है उसको हमने धूप खिला दी है। अब इस तो गाइस देखिए, धूप खिलाने के बाद इस तरह से हम करेंगे तो ये कुछ कलियाँ हैं जो ऐसे ही छिल जाती हैं बड़ी आसानी से। चलिए फटाफट से हम इसको करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन साफ करके रेडी हो चुका है। अब इसको जल्दी से हम पीस लेते हैं और इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। मैं पीस रही हूँ इसको, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसके बाद इसको हम पीस लेते हैं। तो गाइस, ये हम इसको अब मिक्स पीस के रेडी कर लिया है। अब इसको मैं एयर टाइट डब्बे में भर के फ्रिज में रख दूंगी, ताकि हमारा पूरा महीना रमज़ान का अच्छे से निकल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने खजूर की चटनी बना रही हूँ। तो अभी मैंने पानी में इसको भिगो के रखा था, तो ये भीग चुकी है अच्छे से। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए उबालेंगे, ताकि हमारी खजूर जो है वो सॉफ्ट और नरम हो जाए। तो गाइस, यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च जो कश्मीरी है, फिर ये रेगुलर नमक, काला नमक, फिर जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग। अब अच्छे से इसको उबाल आने तक पकाएंगे। तो गाइस, यहाँ अच्छे से उबाल आ रहा है, इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, फिर इसको ठंडी होने के बाद किसी एयर टाइट जार में भर लेंगे। तो गाइस, अब इसको हम इसमें छान लेते हैं छलनी की मदद से। तो देखिए, इस तरह से छानेंगे, फिर ये सब वेस्ट चीज़ निकल जाएगी और इस तरह से चटनी पल्प हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से सारा रेडी कर लेती हूँ। तो गाइस, अभी हम समोसे की तैयारी करें, तो ये हमारा चिकन कीमा और ये सारे इसमें जाने वाले मसाले, तो अभी हम बनाते हैं चले। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 चम्मच तेल, अब इसमें जाएगी हमारे चिकन
तो गाइस यहाँ पे हमने चिकन ऐड कर लिया है, अब इसको हम थोड़ा पका लेते हैं। तो गाइस इस तरह से ये बन रहा है, अभी फ़िलहाल थोड़ा ये नरम हो जाए उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। यहाँ इसमें हम डालेंगे ये एक ढक्कन भर के विनेगर, तो ये हमारा कीमा है जो थोड़ा पक चुका है। अब इसमें चाहिए प्याज, और चाहिएगा ये अदरक लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च जो कि कटी हुई है, और ये सारे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा पाउडर। अब हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं, थोड़ी देर पका लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने सारे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर भी इसको भून लिया है, तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू, तो गाइस हमारा यहाँ पे कीमा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के बाद इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। सो गाइस अभी हमारा बैटर ठंडा हो चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, हम इसको मिक्स कर देंगे और इस डब्बे में हम इसको स्टोर करके रख देंगे। सो गाइस अभी हम बना रहे हैं सीख कबाब, तो इसके लिए यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज, ये चिकन, अब इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। तो गाइस यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो पीस के रेडी हो चुका है, तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, तो ये सारे मसाले हैं जो कि है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी और काली मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये आधा नींबू का रस डाल देंगे, और इसमें जाएंगे अभी ये सारी धनिया पत्ता, लास्ट में ऐड करेंगे हम घी। अब इन सब को हम अच्छे से मिला देते हैं। सो गाइस ये मिक्स होके रेडी हो चुका है। अब गाइस अब इसको हम कोयला देके भाप दे देंगे इस तरह से, इसको ढक देंगे। सो गाइस ये सारे नींबू है जो हमने कट करके रख दिए हैं, अभी सारा रस इसका हम निकाल लेंगे, इसमें स्टोर करके हम रख देंगे ताकि रमज़ान में हमें अच्छे से यूज़ करने को मिले और आसानी भी हो जाए, क्योंकि रमज़ान में नींबू भी थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इस तरह से यहाँ पे इसका रस निकाल लेंगे और इस छन्नी में सारे नींबू के बीज भी आ जाएंगे। हाय गाइस, तो आज मेरे डैड मूंग की हेल्प कर रहे हैं और नींबू का रस निकाल रहे हैं, तो रमजान है तो मैं नींबू का रस की जरूरत है। तो गाइस सलीम हमारी हेल्प कर रहे हैं, और तब तक के लिए हम यहाँ पे सीख कबाब बना लेते हैं और समोसे भी हमारे भर के रेडी कर लेते हैं, तो आपको आइडिया भी आ जाए। हाय गाइस, तो हम है ना समोसे की पत्ती से हम समोसा बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, तो है ना हम मैं आप पे आप भी वैसे बना सकते हो समोसा। ये क्या कर रही हो?
जेठालाल की मूछ। तो ये हमारा जेठालाल है। तो गाइस देखिए, अभी मैं सीख कबाब बना रही हूँ। इस तरह से दो तो हमने रेडी कर लिए हैं और ये पेंसिल का मैं यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास कोई स्टिक ना हो तो आप ये पेंसिल या पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं देखो आपको इस तरह से बना करके एक दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इस तरह सारा एक कबाब रेडी हो जाएगा। अब इसको आप सेलो फ्राई कर लेंगे। हमारे तीन कबाब बन गए। अब आपको मैं समोसा बना करके दिखा देती हूँ। अब हम समोसा बनाएंगे। रेडीमेड समोसा पट्टी जो कि मार्केट में आसानी से कहीं भी मिल जाएगी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इतने मैंने समोसे रेडी करके रख दिए हैं। अभी मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। और ये है आटे की लई बोलते हैं, इससे हम समोसा का सील कर देंगे। तो गाइस इस तरह से हम बनाएंगे समोसा। अपने हिसाब से अंदर बेटर डाल सकते हैं। इसको फिर से यहाँ से हम सील कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा समोसा रेडी। लेडी मेड कुछ इस टाइप के हैं। हमने ये सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अभी हम समोसा और सीख कबाब दोनों ही फ्राई कर रहे हैं। लो फ्राई करना है। हमारे सब रेडी हो चुका है। देखिए आप, ये भी देखिए किस तरह से। और ये हमने बनाई थी घर में चटनी, जो आपको इसी वीडियो में देखने मिली है। और ये हमारे समोसे। देखिए आप कुछ तरह से अंदर निकलता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा अदरक लहसुन हमने इसमें भर के रख दिया है। और अभी ये सारे स्टोर कर रही हूँ इस वाली जिपलॉक बैग में। यहाँ पे हरे मटर भी हमने जिपलॉक बैग में पैक करके रख दिए हैं, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे। अब ये सारे पुदीना है उसको भी हम अच्छे से धो करके मैंने इसको सुखा दिया है। अब इसको भी हम बैग में भर देंगे। इसको इसमें भर देती हूँ।
ये हमारी रेडी हो गई, ये भी हमारी रेडी हो गई। धनिया पत्ती इसको भी धो करके साफ कर लिया, इसको भी हम इस बैग में डाल देते हैं। तो ये भी सारी देखो हमने पैक कर ली है। ये हमने नींबू का रस जो निकाला था उसको मैंने इस तरह से जमा लिया है, तो इसके भी हमने क्यूब्स बना लिए ताकि इसको भी आसानी से हम यूज कर सकें। इसको भी हम इस बैग में भर देंगे। इसको भी मैंने बैग में पैक कर लिया है, उसको फ्रीज कर देंगे हम ताकि ये सारी चीज़ें आसानी से हम यूज़ करेंगे और कुछ भी ख़राब नहीं होगा। सो गाइस, ये हमारी रमज़ान की तैयारियों का वीडियो मुकम्मल हो चुका है और ये आपको हेल्पफुल भी इंशाल्लाह रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और हमारी तरफ से रमज़ान की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।